गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैं नरेंद्र वाजपेयी एक एसोसिएट प्रोफेसर इलाहाबाद में एक कॉलेज में आज आपको वेलकम करता हूं एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में जिसमें हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी का आना हो रहा है जिनका नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है पूरे इंडिया में लोग उनको जानते हैं उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अनेकों लोगों की जिंदगी में 180 डिग्री का अपवर्ड चेंज किया है ही इज़ ए सर्जन बाई प्रोफेशन ही इज़ फ्रॉम प्रयागराज इल्फ और बीस साल के सर्जरी के एक्सपीरियंस में एक बेहतरीन अस्पताल बनाकर एक बड़ा नाम कमाने के बाद उनके एक डॉक्टर फ्रेंड ने उनसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की इट वॉज़ अ ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने उसको स्टडी किया उससे रिलेटेड सारा लिटरेचर उसकी पॉसिबिलिटीज एंड देन ही टुक अ विजन कि इसमें एक ग्लोबल लेवल का एक बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जा सकता है और जाने कितने लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ लाई जा सकती है और फिर उन्होंने एक अच्छे स्टार्टअप की तरह इस पर काम करना शुरू किया हैज़ ए बिग नेम एंड फेम टुडे सो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे जो भी परिचित लोग हैं उनसे भी आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वट इज़ एसेट बिल्डिंग वट इज़ अर्ली रिटायरमेंट वट इज अ ग्रेट स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल ग्रोथ इन सब चीज़ों को शेयर कीजिए तो ही हैज़ ब्लेस्डस एंड ही इज गोइंग टू बी विद दस टूडे एंड गोइंग टू शेयर दिस थिंग आपको ये करना है कि अपने जिस भी फ्रेंड ने आपको इसके लिए इन्वाइट किया है जब इस मीटिंग को आप देखेंगे एक नोट्स बना लीजिए जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं वो उनसे आप बाद में शेयर करके उनके आंसर्स ले सकते हैं अगर आज आप इसको समझ गए तो 180 एटी डिग्री चेंज चेंज इन योर लाइफ टू बिकम ए पार्ट ऑफ हाईएस्ट क्लास हाईएस्ट फाइनेंशियल क्लास ऑफ द इंडिया इसके चांसेस हैं आपके लिए सो so, ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने बीच में इन्वाइट करेंगे डॉक्टर नलिन मिश्रा हियर एट द स्क्रीन दोस्तों नमस्कार मेरा नाम नलिन मिश्रा है और पेशे से मैं एक सर्जन हूँ और इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड की ऑनलाइन ओपन मीटिंग में आप सबका स्वागत है और आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना जिसको मैंने स्टार्ट किया था आज से करीब 19 साल पहले मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे साथ इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं वो भी सर्जन हैं और देहरादून में प्रैक्टिस करते हैं आज से 19 साल पहले उन्होंने एक बार कॉल किया और मुझे कहा कि वो एक बिज़नेस कर रहे हैं जिसके लिए उनको कुछ पार्टनर्स की तलाश है और मैं भी उनका पार्टनर बनूं तो क्लोज़ फ्रेंड हैं मेरे साथ पढ़े हुए हैं और जब उन्होंने कहा कि एक बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें पार्टनर बनो तो नहीं कहने का सवाल ही नहीं था मैंने कहा यस मैं पार्टनर बनूंगा बट ये मैंने बिना सोचे समझे कहा था क्यों क्योंकि एक तो वो दोस्त हैं दूसरे मुझे लगा कि अगर इनको कुछ और बिज़नेस करने की ज़रूरत पड़ी है तो इसका मतलब यह है कि इनकी प्रैक्टिस बढ़िया नहीं चल रही क्योंकि सीधी सी बात है अगर एक आदमी कोई काम कर रहा है और उसके साथ दूसरा काम करता है तो जो साधारण सोच है जो सोच मेरी उस समय थी उस सोच के हिसाब से यही था कि जो उनका काम ठीक नहीं चल रहा है तभी उनको कुछ और करना पड़ा तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा उस समय इलाहाबाद में प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे वो देहरादून से प्रोडक्ट्स भेजा करते थे प्रोडक्ट्स हमारे घर में आते थे हमारी वाइफ को पसंद थे उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया और एक तरह से कहिए तो बिज़नेस शुरू हो गया मेरा नहीं उनका बिजनेस शुरू हो गया मेरे स्पॉन्सर का बिज़नेस शुरू हो गया बीच बीच में वो मुझसे कहा करते थे कि इस बिज़नेस में किताबें बहुत अच्छी अच्छी पढ़ने को हैं तो मेरी समझ में नहीं आता था कि बिज़नेस और बुक्स का क्या रिलेशनशिप है बट फिर भी मैं बिना कुछ बोले जो किताबें भेजते थे वो ख़रीद लिया करता था उस ज़माने में कैसेट्स आए करते थे तो जो कैसेट्स भी भेजते थे वो भी मैं ले लिया करता था चूँकि मैं बहुत व्यस्त था पंद्रह सोलह घंटे काम करता था बहुत सारे पैसे कमाता था इसलिए मुझे कभी यह नहीं लगा कि मुझे इस बिज़नेस को कभी करना भी होगा बट एक्चुअली वो जो बुक्स भेजा करते थे उनको मैं कभी कभी उठा के देख लिया करता था जब मेरे पास थोड़ा समय होता था तब ऐसे में एक दिन मुझे एक बुक मिली जिसका टाइटल बहुत अपीलिंग था उसका टाइटल था रिच डैड पुअर डैड और उसके लेखक हैं रॉबर्ट टी की जो दुनिया के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि मैं समझता खुद को एक रिच डैड था अपने बच्चों का रिच डैड क्योंकि मैं पैसे बहुत कमा रहा था लेकिन जब उस किताब को पढ़ा तो रॉबर्ट टिक्योसाकी जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की निगाह में आई वॉज़ अ पुअर डैड वाई बिकॉज रिच डैड जिस ढंग से पैसा कमाते हैं मैं वैसे पैसे कमा ही नहीं रहा था एक्चुअली एक तीसरी एजुकेशन के बारे में पता चला रॉबर्ट टी टिक्योसाकी को पढ़ने के बाद जिसको कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन अभी तक हम लोगों ने बेसिक एजुकेशन ली जहाँ पर हमको कुछ लिखना पढ़ना सीख जाते हैं फिर तो उसके बाद एक प्रोफेशनल एजुकेशन ली जिसको लेकर हम डॉक्टर बने बट जो प्रोफेशनल एजुकेशन ली डॉक्टर बनने की वो एक्चुअली इसलिए ली क्योंकि हम पैसे कमाए पर पैसा कैसे काम करता है पैसे कमाने के सही तरीके क्या हैं ये हमें कभी पता ही नहीं चला बिकॉज वी नेवर हैड एन एक्सेस टू फाइनेंशियल एजुकेशन रॉबर्ट टी क्यूसाकी को पढ़ने के बाद पता चला कि अगर आप सही अर्थों में रिच बनना चाहते हैं तो आपके काम करने का स्टाइल कुछ और होगा एक्चुअली उन्होंने कहा जो बात मुझे बहुत अपील की कि रिच आदमी वो होता है जिसकी इनकम उससे फ्री हो फ्री का मतलब यह है कि आप काम करो चाहे मत करो वो पैसे आने चाहिए अब एज ए सर्जन दिस वॉज नॉट पॉसिबल सर्जन की हैसियत से मैं जब जब काम करता तभी तभी पैसा आता इनफैक्ट कभी कभी मैं रातों में सोते समय ये सोचा करता था कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी क्या मैं इसी तरह पंद्रह सोलह घंटे काम करके आखिरी सांस तक पैसे कमाऊँगा क्या मुझे कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी कि मैं कुछ काम न करूं लेकिन पैसों के बारे में न सोचना बट आंसर वॉज ऑलवेज नो बिकॉज आई वॉज इन दैट काइंड ऑफ अ वर्क फिर उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला या उन्होंने रॉबर्ट टी की ने लिखा है कैश फ्लो क्वार्स के बारे में उनका कहना है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सही तरीके से जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा कमाने के चार ही तरीके हो सकते हैं और उन चारों को उन्होंने नाम दिया कैश फ्लो कॉर्डेंट अभी आप इस स्लाइड में देखेंगे कि ये जो चार कैश फ़्लो कॉर्डेंट हैं ई e, एस बी और आई और आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि बी बड़ा सा मैग्नीफाइड दिख रहा है आपको मैग्नीफाइड क्यों दिख रहा है क्योंकि आज हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये पावर है कि आपको इस क्वाड्रेंट में ला सकता है यानी हम मेनली बी क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सी बात करें कि चारों क्वाड्रेंट क्या होते हैं एक्चुअली चार क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं चार तरह के माइंडसेट। रॉबर्ट टी की विसाखी का कहना है कि अगर आप इन चारों में से एक या दो तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो यह ऐसा नहीं है कि दिस इज बाई चांस दिस वॉज डिसाइडेड by यू डिपेंडिंग ऑन योर mindset तो उन्होंने इन चारों कोऑर्डिनेट जो ई एस बी आई ई फॉर एम्प्लॉयज़ यानी ऐसे लोग जो नौकरियां करते हैं एस जिनको नौकरी पसंद नहीं है जो अपना काम करते हैं जैसे मैं मुझे नौकरी पसंद नहीं थी मुझे बॉस पसंद नहीं था मुझे लगता था कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता इसलिए मैंने डिग्री लेने के बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की अपना नर्सिंग होम बनाया और उसके अंदर काम करके पैसे कमाता था तो बी का मतलब है बिजनेस ओनर्स और आई जो चौथा क्वाड्रेंट है दैट इज इन्वेस्टर्स ई क्वाड्रेंट के लोगों की जो मानसिकता है या जो माइंडसेट है उसमें मेन चीज है सिक्योरिटी सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ काम करूं तो मुझे पैसे मिलने चाहिए महीने भर अगर मैं जाता हूं किसी जॉब में तो मंथ एंड में आई शुड गेट अ पे चेक आई शुड गेट अ सैलरी अब ये बात और है कि मुझे पेमेंट मिल रही है वो मेरी काबिलियत के हिसाब से नहीं मिल रही है बल्कि जो पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ उस पोस्ट के पैसे मिल रहे हैं चाहे मैं कितना योग्य हूँ चाहे मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ बट आई विल बी पेड अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन एम्प्लॉयज़ इस ढंग से भी सोचते हैं कि चलो ये सिक्योरिटी तो है और इसके अलावा कभी कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयर है मेडिकल बेनिफिट्स अगर हम बीमार होंगे तो एम्प्लॉयर हमको कुछ बेनिफिट्स देगा अगर हमको कहीं छुट्टी पर जाना है तो वो छुट्टी का भी पैसा देगा अगर हम ओवर टाइम करते हैं तो हमको ओवर टाइम भी पैसा मिलेगा कुछ हमको बड़ी रकम चाहिए तो लोन भी हमारा एम्प्लॉयर देगा यानी उस सैलरी के अलावा जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं उसके लिए हम डिपेंड करते हैं अपने एम्प्लॉयर पर चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो नाउ लेट लेटेस्ट कम टू दी एसक्र्डेंट एस कोर्डनेंट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड क्वार्डिनेट की मानसिकता क्या होती है आई एम द बेस्ट दुनिया का कोई भी काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता और आज मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि वेन आई स्टार्टेड माई प्रोफेशन आई हैड द सेम माइंड सेट मुझे लगता था कि मेरे नर्सिंग होम में सर्जरी तो मैं करता ही हूँ सर्जरी तो और कोई कर ही नहीं सकता बट जो साफ सफाई का, का काम है वो भी मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता इनफैक्ट कई बार मैं अपने एम्प्लॉज से कहा करता था कि डोंट वरी अगर तुम नहीं आओगे तो भी मैं कर सकता तो मैं तुम्हारा काम भी मैं बखूबी कर लूँगा रॉबर्ट टी की उषा कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वही है जो जिसकी मानसिकता है आई एम द बेस्ट और फिर वो एक टीम बनाता है छोटी टीम बनाता है शॉर्ट टीम होती है और उस टीम की विशेषता क्या होती है कि उस टीम में जितने भी लोग हैं सब उससे कम काबिल होते हैं एनी एनिसेस कि अकेले काम करना प्लस टीम बना के काम करना टीम बनाने में आप ज़्यादा पैसे ज़रूर कमाते हैं लेकिन अगर टीम आपकी ऐसी है कि उसके अंदर सब लोग आपसे कम काबिल हैं तो आमदनी लिमिटेड है बिकॉज यू आर द मोस्ट केपेबल तो आपकी कैपेबिलिटी से वो आमदनी लिमिट हो जाती है नाउ लेटेस्ट कम टू द बी क्वार बी क्वार किन लोगों का है ये लोग हैं ऐसे जिनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है विजनरी है ड्रीमर्स ये हमेशा वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं इनका मकसद जिंदगी में ये होता है कि पांच छह साल खूब मेहनत किया जाए समय लगाया जाए जरूरत पड़े तो उसमें पूंजी लगाई जाए लेकिन पाँच छः साल के बाद जब वो हमारा काम स्टैब्लिश हो जाए जब वो खड़ा हो जाए तो हम उसको न भी देखें तो भी पैसे आते रहें एंड रॉबर्ट टी क्योसा कि इस क्वाड्रेंट की डेफिनेशन भी यही है देते हैं कि बिज़नेस उसको कहते हैं जिसको आपने एक बार स्टैब्लिश कर दिया उसके अंदर पाँच से ज़्यादा आपके साथ काम करने वाले लोग होने चाहिए और उसकी खूबी ये होनी चाहिए कि अगर आप उसको एक साल तक देखने नहीं भी जाते हैं तो भी जब आप वापस आते हैं तो आमदनी बढ़ी हुई होनी चाहिए अगर आमदनी बढ़ी हुई नहीं है आमदनी कम हो गई है और ख़त्म हो गया है तो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस जो कुछ भी जो बिजनेस की शक्ल में था मान लीजिए आपका आउटलेट था शॉप था नर्सिंग होम था वॉट एवर देट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो कई बार हम लोग लोगों को कहते हैं बिजनेसमैन बट एक्चुअली वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं बिजनेस वही है जो आपके बगैर भी चलता एंड फोर्थ क्वारिट इज़ इन्वेस्टर्स बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो करते हैं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ये वही लोग होते हैं जो बी क्वाडेंट के लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय ई क्वाडेंट के जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है दैट इज सेविंग सो डियर फ्रेंड्स आज हम आपको जिस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं उसको दो तरीके से आप कर सकते हैं उसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी एस क्वाडेंट से भी कर सकते हैं और उसको आप एस क्वाडेंट से करते करते एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि आप बी क्वाडेंट में पहुँच जाएँ और एक इतनी बड़ी आप चीज़ खड़ी कर लें जो आपको काम ना करे तो भी पैसे देती जाए या फाइनेंशियली आप, आप इंडिपेंडेंट हो जाए फाइनेंशियली आप फ्री हो जाए खूबी इसकी क्या है कि यहाँ पर जो भी काम आप करेंगे वो पार्ट टाइम है जो काम आप प्रेजेंटली कर रहे हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है उसके साथ साथ कर सकते हैं थोड़ी सी एक बात यहाँ पर यह भी कर लें कि इस बिजनेस को करेगा कौन हु विल डू इट देखिए दो चीज़ें हैं अभी स्लाइड में आप देखिए ड्रीम्स एक तरफ हैं और एक तरफ वैल्यूज़ हैं हम सब लोग पैसे कमाते हैं पैसे कमाकर अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं लेकिन हमारी जो लाइफ की वैल्यूज़ होती हैं अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या वैल्यूज़ को भूलना पड़ता है पैसे कमाने के लिए अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए जैसे मैं अगर बात करूँ आई एम ए मेडिकल प्रोफेशनल और मेरा मानना है कि मेडिकल प्रोफेशन में एक लिमिटेड पैसा ही कमाया जा सकता है अगर आपकी लाइफ में प्रिंसिपल्स की कुछ वैल्यू है तो इफ़ यू वांट टू अर्न मोर मनी एज अ मेडिकल प्रोफेशनल देन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज द प्रिंसिपल्स जो प्रिंसिपल जो आपके लाइफ की वैल्यूज है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसी तरह बहुत से लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि उनके लिए वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं और वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते बहुत से ऐसे लोग हैं अपने ड्रीम्स के लिए पैसे तो कमाते हैं पर कहीं ना कहीं लाइफ में वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं वैल्यूज़ के साथ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही है तो वो रेस्टलेस होते हैं वो आराम से नहीं रहते पर आज हम जिस बिज़नेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया एक दिन ऐसा होगा कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकेंगे अपनी वैल्यूज को लाइफ की वैल्यूज को मेंटेन करते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बिजनेस कैसे आपके लिए काम करेगा थोड़ी सी यहाँ पर यह बात कर दें कि हम एक्चुअली कुछ पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स और ये प्रेजेंटेशन किस लिए है कि हम आपको बता सकें कि देखिए ये पार्टनरशिप चलेगी तब जब एक म्यूचुअल ट्रस्ट स्टैब्लिश होगा आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकें और हम आपके ऊपर भरोसा कर सकें और ये कब होगा जब हम आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे हम आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करेंगे जो इस बिजनेस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं हम ओपिनियंस की बात नहीं करेंगे हो सकता है इस बिजनेस के बारे में आपने कहीं कुछ सुना हो कुछ आपकी ओपिनियन बनी हो तो आज हम आपको फैक्ट्स के साथ बताएंगे जिससे कि वो ओपिनियन पीछे चली जाए और आप फैक्ट्स को जान सकें एज अ पार्टनर हम आपके अंदर क्या ढूंढ रहे हैं हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी बात के पक्के हैं जो जो सोचते हैं जो समझते हैं जो अंदर है वही बाहर से बात करते हैं यानी अकाउंटेबल हैं इंटेग्रिटी वाले लोगों को हम ढूंढ रहे हैं हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके क्रेडेंशियल्स तो अच्छे हों ही पर क्रेडेंशियल्स अकेले इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कोई अपने मेन प्रोफेशन में बहुत काबिल है बहुत सक्सेसफुल है वो यहाँ भी सक्सेसफुल हो सकता है बट यहाँ की सक्सेस के लिए उसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं कुछ गुण हैं जो होने चाहिए जैसे हम प्रॉफिट को लोगों से आगे नहीं रखते हमारे लिए लोग इम्पॉर्टेंट हैं प्रॉफिट बाद में है तो हम अपने पार्टनर्स भी में भी इन्हीं गुणों को तलाश रहे हैं और एक्चुअली इस प्रेजेंटेशन के ख़त्म होने तक आप देखेंगे क्या वो चीज़ें जो आप ढूंढ रहे हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में हैं या नहीं और अगर वो चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है कि यू आर दी राइट कैंडिडेट फॉर देम तो इस तरह से देखें तो एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने पार्टनर्स में वो गुण ढूंढ रहे हैं जो हमें चाहिए साथ ही साथ हम इस प्रेजेंटेशन के जरिए या और डिटेल इसके बाद जो फॉलोअप होगा उसके जरिए हम उनको वो सब चीज़ें बता देना चाहते हैं जो इस बिज़नेस में सक्सेस हो सक्सेसफुल होने के लिए एसेंशियल है चलिए नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड अब इस स्लाइड में आप देखें कि आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है यहाँ पर देखिए बीच में है आप यू आप अपना टाइम अपनी जॉब में दे रहे हैं और वहां से आपको पैसे मिल रहे हैं आप टाइम देते हैं पैसा मिल रहा है और ऐसे में आप देखिए आप अपने एम्प्लॉयर का एसेट बना रहे हैं यू आर क्रिएटिंग एन एसेट फॉर योर एम्प्लॉयर यू आर बींग पेड फॉर वर्क दैट यू आर डूइंग इन योर जॉब बट आपको शायद पता नहीं है कि जॉब में जब आप कोई भी काम करते हैं तो जितने पैसे आप कमाते हैं उसका दस गुना पैसा वो एम्प्लॉयर अर्न करते हैं आपके काम का अब आपने वहाँ से पैसे कमाए और आप देखिए आपके लेफ्ट साइड में एक स्टोर है जहाँ पर आप वो पैसे दे रहे हैं और अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं और इसी तरह से लोगों की लाइफ चल रही है बाय कीपिंग योर टाइम यू आर क्रिएटिंग योर एम्प्लॉयर्स एसेट एंड बाय स्पेंडिंग दैट मनी दैट यू गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट इन अ मार्केट यू आर क्रिएटिंग द एसेट ऑफ सो मैनी पीपल इन दैट मार्केट अब इस मार्केट में देखिए एक मैन्यूफेक्चरर है आप कंज्यूमर है बीच में ढेर सारे लोग हैं जिनसे होते हुए आपके पास सामान आता है एडवर्टीजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं सेलिब्रिटीज कनेक्टेड हैं और ये सब लोग पैसे कमा रहे हैं वो कौन सा पैसा है जो आप अपनी जॉब से अर्न करके अपने स्टोर में दे रहे हैं नाउ लेट्स कम टू दैक्स्ट स्लाइड दूसरी स्लाइड भी क्या होगा जो हम प्रपोजल आपको दे रहे हैं इससे क्या जो आप पैसे कमा रहे हैं उसको आप किस दूसरे स्टोर में देंगे दूसरे स्टोर में देंगे तो क्या होगा वहाँ से आपके लिए मनी आएगा और धीरे धीरे जब आप ये काम करेंगे तो राइट right साइड में आपका एक एसेट क्रिएट होगा और इस एसेट के बन जाने के बाद आप चाहें तो जो आप जॉब कर रहे हैं जहाँ पर आप टाइम दे रहे हैं उस टाइम को आप वापस पा सकते हैं बिकॉज ये एसेट भी आपको पैसे दे रहा है जो स्टोर आपने चेंज किया वहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं नाउ यू हैव चांस यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट टाइम बैक यू कैन बाय योर टाइम बैक बाय लिविंग दैट जॉब हम यहाँ पर कुछ ये नहीं कह रहे हैं कि वो छोड़नी है बट यू हैव एन ऑप्शन आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं अब ये देखना है ये जो प्रपोज़ल uh, है हमारा इसमें क्या है द फर्स्ट प्रपोजल इज़ कि आप अपनी मार्किट को चेंज कर देंगे मार्केट को चेंज करेंगे वहाँ से आप अपने जो बाइंग चैनल है दैट वुल भी चेंज अब आप प्रोडक्ट्स अपनी ज़रूरत का यहाँ से खरीदेंगे दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर एक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कुछ चीज़ें सिखाएगा आप सीखेंगे यहाँ से सामान खरीदेंगे और लोगों के साथ इसको रिकमेंड करेंगे रिकमेंड करने से क्या होगा आपकी एक टीम बनेगी और उस टीम से मल्टीप्लाई होगा आपका वर्क एंड वो एसेट बनने का काम धीरे धीरे स्टार्ट होगा नाउ यू सी इस स्लाइड में देखिए लिखा है ब्रिट वर्ल्ड वाइड ब्रिट वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए अरेंज किया है जिसके बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर बिजनेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आपको अवेलेबल है वो कैसे अवेलेबल है ये आपको कोचेस प्रोवाइड करेगा आपको मेंटर्स प्रोवाइड करेगा आपके लिए एजुकेशन मेटीरियल प्रोवाइड करेगा विच आर इन दी फॉर्म ऑफ मोबाइल ऐप्स आपके फ़ोन पर एप्स होंगे ऑनलाइन रिसोर्सेज होंगे बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करेगा अभी देखिए लॉकडाउन है पूरे इंडिया में बट हमारा काम रुका नहीं है हम इस तरह के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं और हम लोगों के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं इसके अलावा जब ये पीरियड ख़त्म होता है तो हम बड़े बड़े हॉल्स में कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करते हैं ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग इन सब के ज़रिए आप चीज़ों को सीखेंगे इस बिज़नेस को करना सीखेंगे जिनने आपको आज इनवाइट किया है जिन्होंने आपको बुलाया है वो एक टीम के साथ एसोसिएटेड हैं उनके मेंटर्स हैं वो मेंटरशिप भी आपको अवेलेबल होगी और इस तरह से ये धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा अब थोड़ी सी बात करें जो स्टोर हम चेंज करने की बात कर रहे हैं वो क्या है द न्यू स्टोर जहाँ से अब आप बाइंग करना शुरू करेंगे उसका नाम है एम वे एम वे की कंपनी है जिसका इंडियन वर्जन है एम वे इंडिया एंटरप्राइजेस और एक ये बहुत बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग मतलब इट सेल्स डायरेक्टली टू इट्स कंज्यूमर्स इनफैक्ट इट इज नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड इट हैज़ गॉट 8.8 बिलियन इनका सेल है 8.8 बिलियन का मतलब होता है करीब सत्तर हजार करोड़ रुपए का एनुअल सेल है इनका और अब तक ये 61.3 बिलियन यानी पाँच लाख करोड़ फाइव लाख करोड़ रुपीज़ ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 1959 से इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव एंड बोनसेस टू एम वे बिजनेस ओनर्स लाइक मी दे आर नंबर थर्टी टू ऑन फोब लिस्ट ऑफ़ अमेरिकाज लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज इनके पास बारह सौ से भी ज़्यादा पेटेंट्स हैं और कुछ पेटेंट्स इनके हैं जो पेंडिंग हैं अगर आपको पेटेंट्स का आइडिया हो तो किसी भी कंपनी को एक पेटेंट लेने में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है बहुत सारी उनको फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट के साथ करनी पड़ती है बहुत सारा टाइम लग जाता है बट दे आर हैविंग मोर देन 1200 थाउजेंड टू हंड्रेड पेटेंट्स एंड द एग्जैक्टली द सेम नंबर पेटेंट्स आर पेंडिंग सबसे बड़ी बात एम के साथ यह है कि दे प्रोवाइड देयर कस्टमर्स हंड्रेड परसेंट सेटिस्फैक्शन गारंटीड आप कोई भी सामान एम से खरीदिए तीस दिन का समय आपके पास है तीस दिन के भीतर 30% यूज़ करके अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको लौटा देते हैं और अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं नाउ एम के प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के प्रोडक्ट्स न्यूट्रेलाइट ब्रांड के अंडर अवेलेबल हैं और जो एम के फाउंडर्स हैं एक्चुअली देवर वर्किंग विद न्यूट्रेलाइट बाद में न्यूट्रेलाइट में कुछ चैलेंजेस आए तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई एम और उसके अंदर न्यूट्रेलाइट को शामिल किया लेकिन न्यूट्रेलाइट का जो ओरिजिनल शेप था जो उनकी ओरिजनलिटी थी उसको मेंटेन किया और आज न्यूट्रलाइट दुनिया की सबसे पुरानी 1934 में इट वॉज स्टैब्लिश डायट्री सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनी है जिसकी खूबी यह है कि वो डायट्री सप्लीमेंट्स नेचुरल बनाते हैं उनके पास अपने फार्म्स हैं जहाँ पर वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं सीड से लेकर एंड प्रोडक्ट तक सब कुछ उनके कंट्रोल में है दे दयाव गॉड बोटनिस्ट गॉट साइंटिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट हु आर वर्किंग राउंड द क्लॉक फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी और रिसर्चर्स का लेवल इस तरह का है कि वो किसी भी व्यक्ति का जेनेटिक स्टडी करके आगे होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भी डायट्री सप्लीमेंट्स बना के प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रीजिनमिक्स में एक्सपर्ट हैं न्यूट्रेलाइट इसके अलावा इनके पास होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं कुकवेयर हैं ड्यूरेबल्स हैं एयर प्योरीफायर दे हैव गॉट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास बिकॉज उनके अंदर परफॉर्मेंस है उनकी क्वालिटी अच्छी है और 100 परसेंट सेटिस्फेक्शन गारंटीड के बारे में मैंने आपको बताई दिया अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना अगर आपने अपने आप को प्रॉपर कैंडिडेट प्रूव कर दिया इफ़ यू आर एबल टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू कैन बी द राइट पार्टनर तब आपका जो स्पॉन्सर हैं जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है वो आपका एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो रजिस्ट्रेशन होगा एम बिजनेस ओनर जिसका नया टर्म है एम डायरेक्ट सेलर उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद आप अपनी ज़रूरत का सामान एम से खरीदेंगे और कुछ कस्टमर्स बनाएंगे आप जब लोगों के साथ शेयर करेंगे जब आप शेयर करना सीखेंगे अपनी टीम की मदद से जब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे बट देर बी इंटरेस्टेड देर बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन एम प्रोडक्ट्स और वो प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहेंगे दे आर दे लाइक टू डू ऑनलाइन शॉपिंग तो हम उनको अपना प्रीफर्ड कस्टमर बना देते हैं और ये जो प्रिफर्ड कस्टमर होते हैं और हम जो अपने लिए ख़रीदारी करते हैं ये हमारा पर्सनल वॉल्यूम होता है अब यहाँ पर आप देखेंगे एक मॉडल है इसमें टेबल बनी हुई है और दो तरह के आप वॉल्यूम देख रहे हैं पर्सनल वॉल्यूम एंड कस्टमर वॉल्यूम इन दोनों को मिला के धीरे धीरे आपके वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू होंगे और एक टेबल बनी हुई है लेफ्ट साइड में इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है परसेंट दिस इज़ योर बोनस दिस इज़ पी पॉइंट वैल्यू नेट सेल्स वॉल्यूम एंड अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इंक्लूजिव ऑफ टैक्सेज एंड डिस्काउंट्स 200 पॉइंट्स का मतलब है कि आपने इन 200 पॉइंट्स के लिए करीब ट्वेंटी थाउजेंड का बिजनेस किया जिसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड है इसमें एक ट्रेड डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है जो कंपनी आपको देती है ऑन योर ओन परचेज़ जब भी आप कुछ सामान खरीदेंगे तो जितने पॉइंट्स की परचेज होगी उसका टेन कंपनी आपको ट्रेड डिस्काउंट देती है अगर आपका और आपके कस्टमर का जोड़कर 200 हंड्रेड पॉइंट्स का बिजनेस होता है तो देन यू गेट अ थ्री परसेंट एडिशनल बोनस जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी आपके पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे और इस टेबल के हिसाब से आपके बोनस का लेवल बढ़ता जाएगा 600 पॉइंट्स पर 6 परसेंट वन पॉइंट्स के ऊपर 9 परसेंट टू पॉइंट्स के ऊपर ट्वेल्व परसेंट के ऊपर फिफ्टीन परसेंट पॉइंट्स पर एटीन और टेन पॉइंट्स के ऊपर ट्वेंटी अब यहां पर एक छोटा सा ये दिखा हुआ है कि अगर आप ये करते हैं तो मान लीजिए आपका जो अपनी पर्सनल वॉल्यूम है वो फिफ्टी पॉइंट्स का है या उसका सेल्स वॉल्यूम फोर थाउजेंड बिजनेस वॉल्यूम बिकॉज एक पॉइंट में एट्टी रुपीज़ का बिजनेस वॉल्यूम है और आपके कस्टमर्स ने मिलकर के हंड्रेड फिफ़्टी पॉइंट्स का बिजनेस किया और ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ का आपका टोटल बिज़नेस हुआ सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ या टू हंड्रेड पॉइंट्स का आपको इसके ऊपर थ्री परसेंट का बोनस मिलेगा आपको अपने कस्टमर की परचेज़ के ऊपर और अपने परचेज के ऊपर टेन परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा पर साथ ही साथ आपको कस्टमर्स की परचेज पर जो आप कस्टमर्स ने जो सामान खरीदा है उसके ऊपर आपको एक कस्टमर सेल्स इंसेंटिव सी मिलता है जो एक एडिशनल मनी है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है इसमें कंपनी टेन परसेंट की मिनिमम गारंटी देती है ऑन दी परचेज ऑफ योर कस्टमर्स यानी कस्टमर आपका सामान खरीद रहा है तो टेन परसेंट पैसा आपको मिलना ही मिलना है यहाँ पर टू हंड्रेड पॉइंट्स में आप थ्री परसेंट हो गए हैं इसलिए रिमेनिंग सेवन परसेंट आपको यहाँ पर ऐड हो रहा है और इस तरह से आप देखिए यू आर अलोन यू हैव मेड फ्यू कस्टमर्स और टू हंड्रेड पॉइंट्स का बिजनेस आपने किया तो यू आर अर्निंग अबाउट थ्री थाउजेंड रुपीज अब इसको हम देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ेगा तो यहाँ पर हम चाहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप एक स्लाइड और देखें एंड देट स्लाइड इज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन एज का बिजनेस कैसे होता है देखिए अभी आप सब लोग फेसबुक के बारे में जानते हैं आप सब लोग व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं हर किसी व्यक्ति का एक सोशल नेटवर्क है चाहे फेसबुक के ऊपर हो चाहे व्हाट्सएप के ऊपर हो पर हम वहाँ पर क्या शेयर करते हैं हम अपनी पिक्चर्स लगाते हैं आज मैंने खाना खाया आज मेरी बर्थडे हुई ये हुआ वो हुआ एंड वे आर शेयरिंग विथ लॉट ऑफ पीपल इस शेयरिंग से फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस शेयरिंग से जो भी पैसा आ रहा है वो माल जूकर को आ रहा है और फेसबुक के बिजनेस से रिलेटेड लोगों के पास पैसा आ रहा है अगर हमें पैसे कमाने हैं आज के डेट में तो आप इमेजिन करिए कि ये जो नेटवर्क हमारा है अगर इसके अंदर हम कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सप्लाई करने लगें तो क्या होगा उसी नेटवर्क में जो हम ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं उसके अलावा अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सप्लाई करने लगें तो एक हमारी सेल्स होने लगेगी एक टर्नओवर होने लगेगा और हमारे पास पैसा आने लगेगा अगर आप ऊबर की बात करें ओला की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं एक नेटवर्क बना हुआ है जिसके अंदर ये सर्विसेज दे रहे हैं और बिना बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बिना बहुत हैसल के बिना ओवरहेड्स हेड्स के देआर अर्निंग लॉट ऑफ मनी तो अब हम चलते हैं अगली स्टेज पर आपने 200 पॉइंट्स का बिजनेस करना सीख लिया बाय पर्सनल कंजम्पशन एंड कंजम्पशन बाय योर कस्टमर्स नेक्स्ट स्टेज है अब आपको अपनी टीम बनानी है इस टीम को बनाने में आपकी मेंटरशिप अवेलेबल है एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है जितना सिंसियरली आप सीखेंगे जितना कमिटमेंट के साथ आप काम करेंगे जितने अपने ड्रीम्स को याद करके आप काम करेंगे उतनी तेज़ी से आपका काम होगा और धीरे धीरे आप इसके अंदर ग्रो करेंगे कुछ आपको बता दें इसमें लेवल्स इस्टेबल को आप देखिए जब आप फर्स्ट टाइम फोर थाउजेंड पॉइंट्स का बिजनेस करना शुरू करते हैं तो देन यू आर अवार्डेड अ पिन बाय एम जिसका नाम है ब्रॉन्ज ब्रॉन्स पिन फिर आप और ऊपर बढ़ते हैं और जब आप टेन थाउजेंड पॉइंट्स का बिजनेस करते हैं दैन यू आर अवॉर्डेड अ सिल्वर पिन इसी सिल्वर पिन को वैन यू रिपीट थ्री टाइम्स इन अ इयर यू आर गिवन अ गोल्ड पिन एंड इफ़ यू डू इट सिक्स टाइम्स इन अयर यू आर गिवन अ प्लेटिनम पिन इसको आप हर महीने करते चले जाते हैं यू बिकम अ फाउंडर्स प्लेटिनम तब आपको फॉरन ट्रिप्स मिलनी शुरू होती हैं एम लीडरशिप सेमिनार्ज में आप जाते हैं एंड देर अदर एनुअल बोनस दैट यू स्टार्ट गेटिंग एट दिस लेवल नाउ हाउ इट विल हैपन आप अपने मेंटर्स के साथ काम कर रहे हैं एजुकेशन ले रहे हैं कमिटमेंट है आपका एंड यू आर वर्किंग कंसिस्टेंटली एंड यू आर फॉर्मिंग अ टीम अब देखिए इसमें पैसा कैसे आता है एक ये इस स्लाइड में आप एक स्टेज देखिए कि अगर मान लीजिए दिस ओनली एन एजम्पन जस्ट टू टेल यू जस्ट टू एक्सप्लेन कि पैसा कैसे आता है अगर आप ये मान लें कि आपने इस तरह से दो पॉइंट्स करने वालों की पचास लोगों की एक टीम बना ली हर कोई टू हंड्रेड पॉइंट्स कर रहा है और आपकी टीम में ऐसे फिफ्टी लोग हैं आपका बिजनेस हो जाएगा टेन थाउजेंड पॉइंट्स का यू विल बिकम अ सिल्वर प्रोड्यूसर और इस स्टेज पर आपकी एक महीने की आमदनी होगी एक लाख रुपए की एंड इट्स अ गुड इनकम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आप और धीरे धीरे एक्सपर्ट्स हो रहे हैं प्रोडक्ट्स की भी आप नॉलेज ले रहे हैं प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं एम से ले रहे हैं एम आज ढेर सारे इसी तरह के ऑनलाइन सेशंस कर रहा है वैसे भी करता रहता है एम की वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अवेलेबल है और जब ये सब आप करते चले जा रहे हैं तो ग्रेजुअली क्या होगा आपके कुछ कस्टमर्स भी बढ़ेंगे आपका अपना पर्सनल कंजम्पशन भी बढ़ेगा एंड एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप थ्री पॉइंट्स का बिजनेस करने लगेंगे और आपकी टीम भी बढ़ रही है अगर आपके पास तीन पॉइंट्स करने वाले सत्तर लोगों की टीम बन गई तो आपका टोटल बिज़नेस होगा ट्वेंटी थाउजेंड पॉइंट्स का और यहाँ पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल एम देती है जिसको कहा जाता है रूबी एंड योर इनकम विल बी टू लाख रुपीज़ पर मंथ नाउ ये जो आपने अपने लिए हासिल किया है अब आप अपनी टीम में भी लोगों को ये अचीव करवाने के लिए काम करेंगे बिकॉज दिस इज़ द बिज़नेस जो हम अचीव करते हैं वही हम अपनी टीम को सिखाते हैं जिससे वो उसको अचीव करते हैं और धीरे धीरे हमारा जो इनकम है जो हमारी लेवल है वो बढ़ता है और एसेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे होते हैं नाउ सी दिस पिक्चर द बिग पिक्चर बिग पिक्चर में क्या लिखा है डायमंड डायमंड इज अ वेरी प्रेस्टिजियस लेवल इन दिस बिजनेस और हम सब लोग उस लेवल के लिए काम करते हैं एंड डायमंड कबाब बनते हैं जब आपके नीचे सिक्स मिनिमम सिक्स टीम्स होती हैं जो हर महीने टेन थाउजेंड पॉइंट्स का बिजनेस कर रही हैं देन यू आर नोन एज अ डायमंड एंड योर इनकम बिकम्स फाइव लाख रुपीज़ पर मंथ नाओ इस लेवल में एक ख़ास बात है कि जो टेन थाउजेंड पॉइंट्स की टीम्स हैं इसमें ढेर सारे लोग हैं जहाँ पर आपकी मैंटरशिप की, की ज़रूरत है जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रहे हैं बट एक्चुअली वर्क और लोग कर रहे हैं सो नाओ दिस इज़ दसेट दैट व्यू आर देट आई वॉज टॉकिंग अबाउट इसके बारे में मैं बात कर रहा था अब यहाँ पर आप ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं जो आपके लाइफ में वैल्यूज़ हैं वो बरकरार हैं बल्कि और आप पहले से बेहतर इंसान बनते चले जा रहे हैं एंड यू आर सिंपली गाइडिंग पीपल यू आर हेल्पिंग पीपल अचीव दैट लेवल विच यू हैव गॉट इस स्लाइड में आप देखिए एक पिक्चर जो अप्रॉक्सीमेट इनकम बताती है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एंड दिस बीन ऑफिशियली गिवन बाई एम वे अगर आप फाउंडर प्लेटिनम बनते हैं फाउंडर क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है टेन थाउजेंड पॉइंट्स का बिजनेस एवरी मंथ तो आपकी आमदनी होती है सेवेंटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टीन रुपीज़ पर मंथ एंड विच कम्स टू अबाउट एट पॉइंट एट लैक्स एनअल इनकम जब आपके पास तीन टीमें होती हैं जो हर महीने दस टेन थाउजेंड पॉइंट्स का बिजनेस कर रही हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन होती है फाउंडर्स एमरल्ड की और उस समय आपकी मंथली इनकम है टू पॉइंट फाइव लैक्स एंड एनुअल इनकम इज़ थर्टी पॉइंट सेवन जीरो लैक्स एंड वैन यू बिकम अ डायमंड

सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ पर ईयर एंड द फाउंडर डायमंडिक्सटी सिक्स पॉइंट नाइनटी सिक्स सिक्सटी सिक्स लैक्स नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज एवरी ईयर सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन दिस ऑल अबाउट द बिजनेस ऑल अबाउट द इनकम नाउ वट इज द नेक्स्ट स्टेप वट यू हैव टू डू नाउ अब आपको करना ये है कि जिसने आपको इन्वाइट किया है जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है जिनके साथ यू हैव हैड मे बी वन टू थ्री मीटिंग्स उनके साथ नाओ यू हैव टू सेटअप अ मीटिंग अब आपको उनके साथ बैठना है कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं इट्स क्वाइट नेचुरल नहीं समझ में आई होगी नहीं क्लियर हुआ होगा सो यू हैव टू सिट विद देम मेक इट क्लियर जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको आप सेटिस्फाई करके देन यू हैव टू गिव अ कमिटमेंट कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको बताए जाएंगे तो आपको कमिटमेंट करनी है कि आप उन स्टेप्स को करने के लिए तैयार हैं और वो क्या है कुछ आपको रीडिंग मटेरियल देंगे जिसको आपको पढ़ना है हैटन ऑडियोज सर्टन वीडियोज जिनको आप देखेंगे और अपने लाइफ में जो वैल्यूज हैं जो गोल्स हैं उनको डिसाइड करेंगे एंड यू विल कंटिन्यू टू बिल्ड अ केस फॉर योर सेल्फ कंटिन्यू टू बिल्ड अ केस फॉर योर सेल्फ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि योर स्पॉन्सर अंडरस्टैंड दैट यू आर द राइट कैंडिडेट इसी को कहते हैं यू विल हैव टू बिल्ड अ केस फॉर बिकॉज हम लोगों को ढूंढ रहे हैं बट वी आर नॉट रेडी टू स्पेंड टाइम विथ पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड और हु आर नॉट कमिटेड तो जिसने भी आपको इन्वाइट किया है अगर उनको लगेगा कि यू आर द राइट कैंडिडेट तो आपके साथ काम करेंगे मेंटरशिप देंगे ही विल स्पेंड टाइम विद यू एंड विल मेक यू ग्रो बट अगर आपने चीज़ों को ठीक से समझा नहीं है और आप किसी भी पॉइंट पर इफ यू आर नॉट कमिटेड तो देन ही हैज़ अ चॉइस ही हैज़ एन ऑप्शन Look for someone else. So, thank you very much for listening to me and wish you all the best. Thank you.